আমার সহ আছে আন এজন বাবা, তেখেতর নাম জয় সুয়ারাম স্বামী। আমি তেখেতর কথা পাতিলে যত্ন করো। বাবাজি নমস্তে। জয় সুয়ারাম, কেসা লাগা কামাখ্যা? বহুত আচ্ছা, বহুত সুন্দর আর অনন্ত কোটি কোটি, আর এই দৃশ্য বহুত আচ্ছা লাগ রা হ্যাঁ। বসে হম 20 সাল সে আ রে হ্যাঁ, 20 বরস মে বহুত প্রকার কে চমৎকার মিলা হ্যাঁ। বসে হম 10 সাল কি উমর মে সাধু হুয়ে, বাকি কে ভগবান কি কৃপা, जो भगवान की कृपा और भगवान के भरोसे से संत होते हैं और भक्ति करते हैं उसको भगवान हमेशा मिलते हैं। थोड़ा कठिनाई जरूर होती है, जैसे किसान फसल बोते समय कठिनाई तो पाता है पर फसल का आनंद भी वही उठाता है, तो ऐसे ही फसल रूपी धर्म जो है ना कठिनाई से मिलती है, तो माँ की भक्ति भी कठिनाई से मिलती है। जितने भी जनता आती है, साधु संत तांत्रिक अघोरी सब माँ के नाम से आते हैं। माँ कल्प वृक्ष है, सबकी कल्पना को पूरी करती है, चाहे वो अच्छा मांगे या बुरा। कोई पत्नी मांग रहा है, कोई प्रेम का मांग रहा है, कोई बच्चे मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कौन किसका है सब। कोई भूत मांग रहा है, कोई प्रेत मांग रहा है, कोई जिंद मांग रहा है, कोई सिद्धि मांग रहा है, कोई भक्ति मांग रहा है, पर ये बहुत कम लोग मांगते हैं कि माँ मुझे दर्शन दे। ये करोड़ों में एक व्यक्ति का मांगना है, और हम तो माई से यही कहते हैं कि हमें दर्शन दे, वो सब कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हम अपने जीवन के उद्धार के लिए हम साधु हुए, अब जगत का क्या भला कर सकते, पहले हम अपना भला करेंगे जब देश का भला करेंगे। अपना पेट भरा तो जग भरा। तो राम के नाम का हम उच्चारण करते हैं, राम के बगल में सीता है, तो यहाँ तीनों देवियाँ हैं। और आपका नाम क्या बोला? जय सियाराम स्वामी। हाँ, हमारा नाम जय सियाराम स्वामी है, वैसे धुनी वाले बाबा भी बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम जय सियाराम स्वामी है, सियाराम बाबा भी बोलते हैं। बहुत लोग कई प्रकार के नाम रखे हैं, अब जनता है, जितना जनता उतनी नाम, लेकिन हम नहीं कुछ कह सकते। जनता कभी पंडित कहती है, कोई बाबा कहती है, कभी कुछ कहती है, ये जनता है, क्या बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कामाख्या माँ हमें दर्शन देती रहती है किसी न किसी रूप में। उस खुशी में, उस आनंद में, उस मोक्ष के लिए हम माँ के शरण में हर वर्ष अम्बाबाची के लिए आता हूँ। और बाकी कोई हमारी सेवा करता है तो उसके लिए भी मनोकामना के लिए हम माँ से आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। और गुवाहाटी आसाम कैसा लगा आपको? अब गुवाहाटी आसाम तो त्रिया राज है और त्रिया राज रहेगा, इसका भागवत में भी वर्णन दिया है। और ये त्रिया राज माँ पार्वती से बना है, यहाँ स्त्रियों का जन्म ज़्यादा होता है, पुरुषों का कम। बाकी के तो यहाँ के लोकल आबादी कम है, बाहर के लोग आगे ज़्यादा बसिंदा किया है। 70% लोग यूपी बिहार बंगाल और देश का बसा हुआ है, बाकी लोकल के लोग बहुत कम हैं। क्यों? तो यहाँ स्त्री राज है, हमारे शास्त्र में कई जगह त्रिया राज कहा गया है, और स्त्री का महिमा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, धरती माँ है, स्त्री है, लक्ष्मी स्त्री है, गंगा स्त्री है, गौ माँ स्त्री है, और ज्ञान एन विद्या है वो भी स्त्री है, सरस्वती और अन्नपूर्णा वो भी स्त्री है। पुरुष तो अपनी मतंग में घूम रहा है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, स्त्री कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका पुरुष का पतंग ज़्यादा जल्दी हो जाता है और स्त्री की महिमा ज़्यादा बड़ा ही हो जाता है। तो नरकासुर पुरुष था, अहंकार में डूबा, इसलिए उसे जल्दी पतंग में हो गया। 16,000 रानियों से शादी कर लिए श्री कृष्ण भगवान, कभी लड़ाई नहीं हुई, और यहाँ एक स्त्री से शादी करे रोज़ लड़ाई कॉपी के लिए होती है, तो क्या महिमा कहूँ, महिमा माँ की बहुत बड़ी है।